दोस्तों, इससे पहले हमने चार पोएम की जो अप्रिसिएशन है बहुत ही अच्छे तरीके से कर लिया। अब आ चुका हमारे फिफ्थ पोएम पे। फिफ्थ जो पोएम है दोस्तों वो हमारा क्या है, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। अब इसे लर्न कैसे करना है, किस तरह से करना है, सारी चीजें मैं पॉइंट्स लेकर आया। बस अब आपको पूरा जो पैटर्न है किस तरह से लिखना वो तो मेरे ख्याल से आपको समझ गया होगा। अब ये चीजें पर थोड़ा सा हम गौर फरमाएंगे दोस्तों। सबसे पहली चीज अगर बात करो टाइटल है, तो टाइटल का नाम क्या, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन है। फिर उसके बाद मैं पोएट की बात करूं तो पोएट कौन है, निज़ीम एज़ेकिएल है। राइमिंग स्कीम क्या यूज की गई, प्री वर्स स्टाइल यूज की गई है, ठीक है। फिगर ऑफ स्पीच कौन सा यूज किया गया, आपका ओनोमोटो या मेटाफोर, अल्टरेशन, सिमिली, एंटीथेसिस, एक्सेट्रा। और जो थीम और सेंट्रल आइडिया वो क्या है, पोएट ये बता रहा है, डिपिक्ट कर रहा है कि जो एक माँ होती है उसका जो सेल्फलेस, मतलब खुदगर्ज नहीं होती, वो अपने बच्चे को लेकर बहुत ही ज्यादा क्या रहती, केयरिंग रहती, वो अपने बारे में कभी भी सोचती नहीं है। साथ ही साथ ये बता रहा है कि किस तरह से जो विलेजर्स थे वो देख रहे थे, एक जरिया ढूंढ रहे थे कि वो जो मदर है उसको क्या कंफर्ट मिले, ठीक है। अब यही चीज हमें क्या करना है, सेंटेंस में फॉर्म करना है। लेट अस फॉर्म द सेंटेंस। सबसे पहला सेंटेंस क्या आएगा, द पोएम टाइटल एज नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इज रिटन बाय द फेमस पोएट निज़ीम एज़ेकिएल। There is no rhyming word in the poem, so the poet has used the free verse style of writing. ठीक है, where the poet is free to choose the n number of words to depict the selflessness of the mother in the poem. ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, the figure of speech which stands out in the poem is onomatopoeia. यहाँ पे example दिया, and the birds the name of the god and the 100 times. यहाँ पे example लिख सकते हो, ठीक है। And the other figure of speech which are used to beautify the poem is metaphor, alliteration, simile, antithesis, etc. The theme of the central idea of the poem is that the poet depicts the selfless and the unconditional love of the mother who is stung by a scorpion. फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो एक यहाँ पे और लिखा है, it also explains the care and the affection of the villagers and the comfort the pain of the mother. तो इस तरह से आपको चीजें लर्न करनी है। देखो ये पॉइंट्स आपने ध्यान रख लिया तो हो गया। The poem title Night of the Scorpion is written by the famous poet Nizam Ezekiel. ठीक है, फिर उसके बाद द पोएट हैज यूज्ड द फ्री वर्स स्टाइल ऑफ राइटिंग एज देयर इज नो राइमिंग वर्ड इन फॉर्म इन द पोएम, सो द पोएट इज फ्री टू चूज द एन नंबर ऑफ वर्ड्स टू डिपिक्ट द इमोशंस ऑफ द मदर इन द पोएम। फिर उसके बाद द फिगर ऑफ स्पीच व्हिच स्टैंड्स आउट इज ओनोमोटोपोइया, और एग्जांपल मैंने दिए। द अदर फिगर ऑफ स्पीच व्हिच आई यूज आर मेटाफोर, अलिटरेशन, सिमिली, एंटीथेसिस, एटसेट्रा। द थीम ऑफ द सेंट्रल आइडिया, द थीम ऑफ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट द पोएट डिपिक्ट्स द सेल्फनेस एंड द अनकंडीशनल लव ऑफ द मदर हु इज स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन, एंड द आल्सो It also explains the care and affection of the villagers and their efforts to make the pain of the mother comfort. ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या याद करना, मेरे ख्याल से चीजें समझिए। तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। हम आपके लिए छोटे छोटे वीडियोस बनाते ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपको चीजें जल्दी लर्न हो। और इस तरह के ट्रिक्स आपने पूरे वीडियो पे देख लो भाई, मिलेंगे नहीं आपको, मिलेगा जीटी में, मिलेगा प्रदीप सर की टीम्स की और से ही मिलेगा। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब किया तो चैनल सब्सक्राइब करो अपने दोस्तों शेयर, ताकि ऐसे और कई सारे कैंडिडेट्स हम आपके 3 दिन में लेकर आ सके और आपकी जो पूरी तैयारी है हम बोर्ड एग्जाम की वो करवा सके दोस्तों।